लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के चाहने वाले आपस में हबीब होते। दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताइम, दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताइम, जी जहत बा यक दिगर पैवस्ताइम। हमारी मोहब्बत का सबब जाते रिसालते माब है। दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताइम, जी जहत बा यक दिगर पैवस्ताइम, चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्त चश्मे साकिए बतहास तेम, दर जहां मिसले मौ बी नास तेम। सारी मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं, हुजूर की मोहब्बत हबीब पैदा कर। चाहतों का नूर फैलना शुरू हो जाता है। बिलाल हबशे से है, सुहैब रूम से है, सलमान फारस से हैं, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम ये मक्कतुल मुकर्रमा से हैं, और हजरत साद मदीनतुल मुनव्वरा से हैं। लेकिन एक कौमियत का तशख्खुस उभरता है। ये कौमियत वजूद में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आती है। इसलिए इकबाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में रोशनियां होंगी तब जब हुजूर के दामन से लिपट जाएंगे। तो जब ये बदकारी की गई कि हुजूर की जात से लोगों को अलग कर दिया जाए, और फिर उसका नतीजा फिरकाबंदी होगी, और हुजूर की जात पर हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से जब औहाम पैदा किए जाएंगे, हुजूर के हवाले से जब अकीदों में तजलजुल पैदा किया जाएगा, फिर नतीजा यही होगा कि वो वारफ्तगी, वो मोहब्बत, वो शौक फरावा मौजूद नहीं रहेगा, और जिसके नतीजे के अंदर उम्मत कमजोर हो जाएगी और उनको बेयकीनी का मरज लाहिक हो जाएगा।